का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। उषु के क्वेश्चन कहाँ होते हैं? ये तो हमारे अपने खुद के क्वेश्चन होते हैं। उषु का नाम बीच में आता है, जैसे कि उषु ने ढेर सारे लोगों के बारे में बात किया, लेकिन वो हमेशा अपने बारे में बात करते थे, अपनी समझ के बारे में, अपनी क्लैरिटी के बारे में। और जो आदमी उनसे सवाल पूछ रहा है, उसके सवाल को लेकर के उसी के बारे में उनको समझाने की कोशिश करते थे। आज का सवाल ये है कि ओशो ने ये क्यों कहा कि संभोग से ही समाधि मिल सकती है। उनकी सबसे चर्चित जो लेक्चर था, जिसको बाद में किताब का रूप दिया गया, उसका नाम था संभोग से समाधि, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा, और उसके बाद भी किसी ने ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की, हिम्मत नहीं की या सही नहीं लगा लोगों को। क्योंकि संभोग संभोग है, समाधि समाधि है, इन दोनों को एक मानना अपने आप में क्या सही है? और अगर ये सही नहीं है तो ओशो ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है आप मेरी बातों से अग्री ना करें, हो सकता है आप मेरी बातों से अग्री करें, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों को गौर करें। बिकॉज जब मैंने शुरू में ओशो को पढ़ा था, जब मैंने शुरू में उनके लेक्चर सुना था, तो बस मैं सुनता ही रहा। मुझे लगा इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है ही नहीं लाइफ में। ये ऐसे हो गया था जैसे कि मेरी रोज़मर्रा की लाइफ में से जो निकलने वाली डिस्टर्बेंसेस थी, उस पर कोई मलहम लगा रहा है अपनी बातचीत के ज़रिए। मुझे याद है कि दिन ही करीब 15-15, 20-20 घंटे मैं खाली उनके लेक्चर्स को सुनता रहता था, या तो उनकी किताबों को पढ़ता रहता था। करियर वरियर सब छोड़ दिया था मैंने, सबको पीछे छोड़ दिया था। और एक टाइम पर मेरे माता पिता को ये भी लगा कि मैं शायद सन्यासी बन जाऊंगा। लेकिन अब मैं देखता हूं कि वो ओशो को नहीं पढ़ता था मैं, वो मैं अपने आप को हील करने की कोशिश करता था। और जब ओशो ये कहते हैं कि संभोग से समाधि, तब वो इसी हीलिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमैनिटी, स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वैसे सभी जगहों पर पूरी दुनिया में, सेक्स के खिलाफ इतना ज़्यादा बोला गया है कि ओशो को लगा कि बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर से जो कालीमा लगी हुई है, इसकी जो बदनामी हो रखी है इस शब्द की, इस एक्शन की, संभोग, उस पे से उसको पवित्र किया जाए, उसको साफ किया जाए। इसीलिए उन्होंने समाधि शब्द को संभोग के साथ जोड़ दिया। ना अपने आप में संभोग समाधि है और ना ही तो समाधि संभोग है। लेकिन ओशो ये चाहते थे कि ज़्यादातर लोग उनके पास आए। उनका एक तरफ तो जोर होता था कि मैं फिलॉसफी पढ़ाऊँ, लोगों को ट्रूथ के बारे में बताऊँ, लेकिन उतना ही ज़्यादा जोर था कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास इकट्ठे हों। एक्सपेरिमेंट्स बहुत किया करते थे वो, केवल एक गुरु या एक टीचर के बारे में नहीं बोलते थे वो, जितने भी टीचर्स के बारे में बोल सकते थे उनके बारे में बोलते थे, जितने भी सब्जेक्ट्स, जितने भी टॉपिक्स के बारे में बोल सकते थे उसके ऊपर बोलते थे वो। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट था संभोग से समाधि। बिकॉज वो देखते थे कि कौन से लोग किस टाइप के हैं। जब वो बोलते थे तो वो सिखिज्म के ऊपर भी बोलते थे, वो मुस्लिमों के बारे में बोलते थे, उनकी सभी ग्रंथों के बारे में, महावीर के बारे में, नानक के बारे में, मोहम्मद के बारे में, बाइबल के बारे में, जहाँ जहाँ पर भी वो अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलते थे। क्योंकि उनको पता था कि ज़्यादातर लोग अपने आप को रियल स्पिरिचुअलिटी से नहीं कनेक्ट कर पाए हैं, इन्हीं किताबों से, इन्हीं स्क्रिप्चर से कनेक्ट कर पाए हैं। तो अगर मुझे इन लोगों से बात करना है तो इन्हीं की भाषा में बात करना है। और उसी में से एक ग्रुप, और सबसे शायद बड़ा ग्रुप ये है जो कि सेक्स के प्रति बहुत घिनौना अप्रोच रखता है। तो ऐसे लोग जो कि सेक्स को बहुत घिनौना मानते हैं, वो तो ओशो को सीधे इनकार कर देते हैं। मुझे पता है कुछ लोग मेरे भी जान पहचान में हैं जो कि स्ट्रेट अवे, मुझे याद है एक बार ओशो की किताब मेरे हाथ में थी और उन्होंने मुझे देखा पढ़ते हुए, उठा करके फाड़ कर फेंक दिया। मैं छोटा था उस समय, 12th में था, और वो काफ़ी बड़े थे, तो हमारे घर के फैमिली मेम्बर थे, कुछ नहीं कर सका मैं। लेकिन मुझे दिखाई देता है कि वो कितने ज़्यादा डिस्टर्ब थे,
बिकॉज उस किताब के ऊपर उनकी मैगजीन थी और मैगजीन के ऊपर लिखा था शादी से पहले संभोग हाँ या ना। उनका ये कहना था कि अगर कोई भी आदमी रिलेशनशिप रखता है शादी से पहले भी तो कोई बुरी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल नेचुरल सी चीज़ है और शादी से पहले होगा तो आदमी एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएगा। उस किताब में वही लिखा हुआ था। लेकिन ओशो ने ये क्यों कहा कि संभोग से ही समाधि मिल सकती है? बिकॉज ज़्यादातर लोग चूंकि सेक्स के प्रति बहुत ही स्ट्रांगली नेगेटिव ओपिनिएटेड है, सेक्स के बारे में बहुत स्ट्रांगली एक डिस्कस्टेड एटीट्यूड है, लोग ये मानते हैं कि सेक्स एक वो ज़रूरी गंदी चीज़ करनी पड़ती है ताकि हमारे समाज में पॉपुलेशन बढ़ सके। उनको ये मानना है कि सेक्स केवल बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है और अच्छी चीज़ भी नहीं है। उनको ये लगता है कि सेक्स ख़राब चीज़ है और फिर भी सेक्स करना पड़ता है और उसको करने के लिए शादी की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये वो ग्रुप है जो कि ये भी मानता था कि समाधि कोई बहुत पवित्र चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो जो लोग समाधि को बहुत पवित्र मानते थे और सेक्स को घिनौना मानते थे, ऐसे लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, ऐसे लोगों को अपनी बात सुनाने और समझाने के लिए ओशो ने ये तरीका अपनाया कि सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, कि सेक्स से ही तुम्हारी समाधि तुम्हें मिल सकती है। मैं भी एक स्टेज पर ऐसा ही था, मुझे पता नहीं था, मैं तो टीनेजर था। इस तरह के जो ओपिनियंस होते हैं हमको आसपास के लोगों से मिलते हैं, हमारे से सीनियर्स, हमारे से बड़े लोगों के ओपिनियन देख करके हम उनके ओपिनियन अपने ओपिनियन बना लेते हैं। लेकिन जब मैं आगे बढ़ा तब देखा मैंने कि असल में समाधि कुछ और चीज़ है। समाधि में आप शरीर के बियॉन्ड जाते हैं, समाधि में आपका शरीर आपका नौकर हो जाता है। उसके पहले तो आप शरीर के नौकर होते हैं, जैसे आपका शरीर आपको जहाँ उठाए, जहाँ बिठाए, जहाँ सुलाए। देखा नहीं आपने काम करते करते नींद आ जाती लोगों को? अगर आप अपने आप को जगाना चाहते हैं किसी बहुत ज़रूरी काम के दौरान, इम्तिहान के पहले, तो भी नहीं जगा सकते, बिकॉज आप इस शरीर के अधीन है, शरीर आपका मालिक है। तो जब तक आपका शरीर आपका मालिक है तब तक आपके शरीर के अलग अलग एक्टिविटी भी आपके मालिक है, उसी में से एक मालिक है सेक्स। तो ओशो ने जानबूझ के सेक्स को समाधि कहा, क्योंकि जो लोग समाधि के लालची हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो समाधि में पहुंच जाएं, जो लोग समाधि को समझना चाहते हैं, उनके लिए ओशो ने उनको बुलाने के लिए सेक्स को ही समाधि बोल दिया उन्होंने। प्लस वो खोज रहे थे कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस मैं लोगों को दिखा सकूं, एक ऐसे एक्सपीरियंस की मैं उम्मीद जगा सकूं जो सबसे इंटेंस है, सबसे पावरफुल है, और वो सेक्स ही है। वो संभोग का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जॉयस माना जाता है। ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि हम सब ने एडल्ट लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। खाना पीना, इन सभी से ज़्यादा जो इंटेंस मोमेंट होता है वो सेक्स का होता है। तो अब इसी एक सेकेंड के सेक्स को वो समाधि के जिंदगी भर के एक्सपीरियंस के साथ इक्वेट करते हैं। कहते हैं कि जो ये एक सेकेंड में आपको मिलता है संभोग में, वो आपको समाधि में पूरी एटर्निटी तक मिलता रहेगा। उनका ये कहना था। ये पूरी तरह से गलत भी नहीं था, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। बिकॉज सेक्स मतलब ये शरीर की एक्सपीरियंस, कुछ सेकंड के लिए शरीर के बियॉन्ड लगता, पता नहीं चलता आप शरीर में हैं कि बाहर हैं, लेकिन जब आप शरीर में वापस आते हैं तभी आप इस एक्सपीरियंस को याद भी कर पाते हैं, तभी आप इसके बारे में बात भी कर पाते हैं। लेकिन एक्चुअली जो एक्सपीरियंस समाधि का है वो एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि आपको अब बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। बहुत काम, बहुत कंपोज स्टेट है, और ये सेक्स करने से नहीं आती है। ये सेक्स में बार बार अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने से नहीं आती है। फिर से समझिएगा, समाधि का जो एक्सपीरियंस है उस समाधि को स्टडी करने से आती है, ना कि सेक्स को स्टडी करने से। लेकिन अगर आपके मन में सेक्स ही हावी है तो पहले आपको इसमें से खाली होना पड़ेगा। अभी आज मेरी एक भाई साहब से बात हो रही थी तो बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आपने पिछले 2-3 महीनों में ऑब्जर्वेशन को लेकर के कुछ स्टडी किया है? उन्हें करते तो हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने पूछा क्या किया आपने? मैंने उनसे पूछा कृष्णमूर्ति ने इतने ढेर सारे लेक्चर्स दिए हैं, इतने ढेर सारे बुक्स लिखे हैं, क्या उनको पढ़ने की प्रयास किए हैं आपने, या अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान जो आपका एक्सपीरियंस है उसको लिखने की कोशिश की है, जो एक्चुअली स्टडी करने की कोशिश की है ऑब्जर्वेशन को? मैं उनको पूछ रहा था। तो ऐसे ही, ठीक ऐसे ही, अगर किसी भी सब्जेक्ट को हम समझना चाहते हैं, उसमें गहराई से दूर जाना चाहते हैं, तो हमको उसी सब्जेक्ट को स्टडी करना पड़ेगा।
हालांकि किताब पढ़ने से समाधि नहीं मिलती है, लेकिन किताब पढ़ने से एक नई चीज होती है, और वो है समाधि के बारे में, योग के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है, एक इमोशनल बैंक बैलेंस चाहिए होता है समाधि के लिए, अभी नहीं है हमारे पास। कैसे पता कि हमारे पास समाधि के लिए इमोशनल बैंक बैलेंस नहीं है? मैं इमोशनल बैंक बैलेंस उसको बोलता हूं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं और जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए, थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि थोड़ा मुश्किल एक्सपेरिमेंट, फिर भी करके देखिए। अगर अभी ना कर पाए तो बाद में कभी करिएगा जब मौका मिले, और मौका मिलेगा आपके आसपास, आपके घर में आपकी वाइफ, आपका बच्चा है, आपके घर में कोई बहुत बीमार हो गया। अपने बारे में इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज हम मर जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन कोई और हमारे नज़दीक जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, अगर उसको कुछ हो गया या हम ही को कुछ हो गया और हम चिंता कर रहे हैं, तो कौन सी चीज की चिंता हमारे मन में सबसे ज्यादा होगी? मान लीजिए डॉक्टर ने कह दिया कि आप एक महीने से ज्यादा नहीं जिंदा रह पाएंगे, तो आप किस चीज के बारे में सोचेंगे, किस चीज के बारे में प्लान करेंगे? ऑब्वियसली हम अपने परिवार के बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में, अपने वाइफ, अपने सोचेंगे कि इनका कैसे देखभाल होगा हमारे जाने के बाद, क्या क्या करेंगे ये लोग, पूरी कोशिश करेंगे इनके लिए सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए, अरेंज करने के लिए, लेकिन फिर भी हम चिंता करते रहेंगे। चिंता हम इनके लिए नहीं कर रहे हैं, चिंता बेसिकली हम खुद के लिए कर रहे हैं, जो कि इनके साथ हमने अपने आप को जोड़ रखा है, एसोसिएट कर रखा है। ये एक्चुअली करके देखिएगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने कुछ दिन पहले किया, जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एक हमारी जान पहचान की रिम्पी की सहेली है, उनकी डेथ हो गई, तो उसके बारे में जब हम सोच रहे थे तो हम लोग बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, थोड़ा सा अंदर में दिल ठंडा सा हो रहा था, बैठ रहा था कि उनकी डेथ हो गई, रिसेंटली बहुत यंग एज में डेथ हो गई। और वहीं पर एक और सज्जन की वाइफ की डेथ हुई, तो जब उनके बारे में हम सोच रहे थे, तो चूंकि हम उस सज्जन से भी नहीं मिले, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे शहर के ही हैं, ना तो उनसे हम मिले हैं ना तो उनकी वाइफ से मिले, बस उनका नाम जानते हैं, तो उनकी डेथ के बारे में और रिम्पी की फ्रेंड की डेथ के बारे में जब हम दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों की डेथ ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर हुई थी और दोनों की डेथ तकरीबन एक ही वजह से हुई थी, मैटरनल डेथ थी, बच्चे को पैदा होते समय उनकी डेथ हुई थी, तो उसी समय हम लोग दोनों को जब एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो जिनको हम पर्सनली जानते हैं वो डेथ हमको ज़्यादा इमोशनल कर रही थी बजाय उसकी जिसको हम पर्सनली नहीं जानते। तो ये उस पर्सन के बारे में हम नहीं चिंता कर रहे थे, हम ये अपने बारे में, ख़ासतौर से अपने इमोशंस के बारे में, और जैसे ये इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं वैसे ही हम उस पर्सन के साथ या उस घटना के साथ अपने आप को बहुत दूर महसूस करते हैं, कटा हुआ। तो अगर हमको कुछ हो जाए या हमको होने वाला है तो हम किसके बारे में सोचेंगे? जिस चीज़ के बारे में भी हम सबसे ज़्यादा सोचेंगे, जिस चीज़ के बारे में हम सबसे ज़्यादा कॉन्टम्प्लेट करेंगे, चिंता करेंगे, वही हमारा इमोशनल बैंक बैलेंस है। अब अगर वो हमारा परिवार है तो परिवार, या वो हमारे लिए समाधि है या हमारी स्पिरिचुअलिटी है। आजकल हम लोग जिनों का एडवांस्ड कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें जिक्र आता है बहुत बार ऐसे दुनिया का जहाँ पर हम लोग डेथ के बाद, एनलाइटेंड होने के बाद पहुँचते हैं, एक उसको जना यूनिवर्स कहा गया है, जहाँ पर क्रिएशन होता है, जहाँ पर कभी कोई न पैदा होता है न मरता है, ये जहाँ रहते हैं इसको हम लोग एग्जिस्टेंस के नाम से पुकारते हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। मैं एक सज्जन से पूछ रहा था कि मान लीजिए वही एक हफ्ते बाद कुछ हो जाए तो आप क्या ये पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके लिए इतना इमोशंस नहीं है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बुरी से बुरी घटना हमारे साथ हो जाए, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, और उसके बाद, उस दुर्घटना के बाद जो भी क्रियाक्रम वगैरह है सब कुछ करने के बाद, शोक मनाने के बाद, उस दुख में से बाहर आने के बाद, फिर से हम अपनी स्टडीज़ पे, समाधि की स्टडीज़ पर, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज की स्टडीज़ पर फिर से लग जाएं, अपने एक्सपेरिमेंट पर फिर से लग जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? इसके लिए अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये राइट इंग्रेडिएंट नहीं है, ये इमोशंस फॉर समाधि, इमोशंस ही हमारा फ्यूल है, वो ईंधन जिसको जला करके, जिसको यूज करके हम किसी भी चीज़ को पाते हैं, इसी को हम दूसरी भाषा में पैशन कहते हैं, बट पैशन बहुत सुपरफिशियल टर्म है। तो जो भी सन्यासी भगवद्गीता जैसी किताबों के ऊपर टिप्पणी लिखते थे, या जो भी सन्यासी
किसी गुरु किसी महात्मा की बातचीत को लिखने की कोशिश करते थे, वो किसी महात्मा के बारे में नहीं लिख रहे थे, वो असल में अपने माइंड में इमोशंस क्रिएट कर रहे थे उस सब्जेक्ट के बारे में। वाल्मीकि जब रामायण लिख रहे थे तो राम के बारे में तो बाद में लिख रहे थे, पहले वो राम के बारे में इमोशंस को क्रिएट कर रहे थे अपने लाइफ में अपने माइंड में, क्योंकि जो चीज़ आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसके लिए आपके मन में इमोशंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस अगर आप पढ़ते हैं तो आप प्लीज अपने आप को पूछिए कि मेरे मन में किस चीज के लिए इमोशंस डेवलप हो रहा है, सेक्स के प्रति कि सुपर कॉन्शियसनेस के प्रति। ये दो शब्द जब हम एक साथ सुनते हैं सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, तो तभी तुरंत देखिए कि कौन सा शब्द हमारे मन में ज्यादा इंटेंस होकर के दिखाई देता है। समाधि कहीं दूर दिखाई देता है, ठीक है कोई ऐसी चीज जो शायद हमको मिलेगी, कभी मिलेगी पता नहीं, मिलेगी नहीं, सेक्स तो अभी यहां पर है, और जब उसको बोलते हैं तो उसका जॉय हमारे फिजिकल बॉडी में एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं ये पूरी तरह से सही नहीं हुआ था। ओशो ने अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी उन लोगों को जो लोग सेक्स के साथ बंधे हैं, लेकिन फिर इन्हीं सब चीजों से वो लोग सेक्स के साथ और बंध गए। जब तक हम रियलिटी को, ट्रूथ को, समाधि को, जो योग के अलग अलग स्टेप्स हैं, योग के 8 स्टेप्स हैं, जिस तरह से हम लोग जिन लोगों एडवांस में पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल, एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसा नहीं कि इसको पढ़ करके आप इम्तिहान दे सकें, खाली इतना नहीं, ये सारी की सारी आपकी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस हो जाए। ये आपकी जिंदगी में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आपकी जिंदगी का रूप बन जाए, तभी आप समाधि को समझ सकते हैं। कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी, और ये मेहनत केवल सेक्स में जाने से नहीं आती, या अगर आप अपने आप को सेक्स में बार बार डाल करके भी सेक्स के बियॉन्ड भी चले जाएं तो भी नहीं होती। जब तक राइट इमोशंस नहीं क्रिएट होते, जब तक एम्पल ऑफ इमोशंस नहीं क्रिएट, इमोशंस कहना भी सही नहीं है, ये इंटरेस्ट कह लीजिए, प्रोफाउंड, जिसको जनों का प्रोफाउंड इंटरेस्ट कहती है, मतलब गहरा इंटरेस्ट जब तक आपका इस सब्जेक्ट में नहीं होगा, कर लीजिए सेक्स, कर लीजिए शादी, कर लीजिए बच्चे भी हो जाए, वो सब हो जाए, लेकिन उस पूरी जर्नी के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में होना चाहिए समाधि या सुपर कॉन्शियसनेस को समझने का आपका इंटेंसिटी। जैसे साइंटिस्ट्स होते हैं या राइटर्स होते हैं या म्यूजिशियंस होते हैं, उनका परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन उस सबको करने के बाद फिर वापस चले आते हैं, अपने रियाज में लग जाते हैं या अपने रिसर्च में लग जाते हैं। मैथमेटिशियंस अपनी किताबों को पढ़ते रहते हैं, अपने सवालों को हल करते रहते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो। ठीक ऐसे ही यही एटीट्यूड जब तक आपका योग के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति, समाधि को समझने के प्रति नहीं होगा, तब तक ये बहुत मुश्किल होगा। ये खाली इतना नहीं है कि आपको सेक्स से अपना प्लग हटा दिया या सेक्स करते रहे तो उसके बियॉन्ड चले जाएंगे, ये इससे थोड़ा ज्यादा है। संभोग से समाधि तक, ओशो की ये किताब जो अभी तक बेस्ट सेलर रही है, ठीक है, ये बहुत ही शानदार किताब है, और आज मैं इसका रिव्यू करूंगा। इसको मैंने आज से 2 साल पहले पढ़ी थी, और मैंने कई बार सोचा था कि मैं इस किताब का रिव्यू करूंगा आपके सामने, आपको बताऊंगा, बहुत ही शानदार किताब रही है ये, और मुझे लगता है इस किताब को कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर किसी को इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहां पे ओशो बहुत सारी चीजें बताते हैं। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है, इसमें संभोग नहीं है, बिल्कुल सही कहा, इसमें तो परमात्मा तक जाने की प्रक्रिया बताई है। तो हम बात करेंगे, इस किताब को आप जरूर खरीदिए और अपने पास रखिए और उसको पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त शानदार किताब है। तो पूरी किताब तो, क्योंकि बड़ी लंबी किताब है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं, ओशो को जब आप पढ़ेंगे ना, उनकी किताबों में आपको बोरियत नहीं महसूस होगी, आपको लगेगा मूवी चल रही है, क्योंकि इतनी सारी कहानियां बताते हैं, इतना मजा लगाते हैं ओशो। अगर आज के जमाने में ओशो होते हैं, अभी भी हैं, लेकिन अगर वो जिंदा होते तो क्रांति आ जाती पूरी दुनिया में भाई, कसम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला चैप्टर है जिसकी हम बात करेंगे, चैप्टर वाइज मैं आपको बताऊंगा, अब जैसा कि मैंने बताया कि पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपको इसका क्रक्स दूंगा, रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले तो यहां पे संभोग, शुरुआत के 4 चैप्टर्स में संभोग की वो बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे ओशो बार बार ये बताते हैं कि प्रेम जो है, प्रेम ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेम आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है,
और हमारी पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि हम प्रेम को दबा रहे हैं, हम प्रेम को जो है वो उसको कहीं ना कहीं उसका दमन कर रहे हैं। और ओशो ये बताता है कि जिस चीज का दमन होता है, हजारों सालों से हमारे जो साधु संत है वो कह रहे हैं कि कभी भी प्रेम मत करो, स्त्री नरक का द्वार है, सेक्स मत करो, संभोग मत करो, बट ओशो बताते हैं तो स्टेप वन है। जिस आदमी ने प्रेम नहीं किया, जिस औरत ने प्रेम नहीं किया, वो कभी परमात्मा को पा ही नहीं सकता। तो ये तो बड़ा डेंजरस है। यहां पे ओशो बताते प्रकृति कि हम संभोग के बीच में ही रह रहे हैं। मोर नाच रहा है, आपको बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन मोर नाच क्यों रहा है? वो रिझाने के लिए नाच रहा है। अगर फूलों से जो अमृत होता है वो अगर भंवरा नहीं ले जाए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये पूरी पृथ्वी ही ऐसे चल रही है, जानवर संभोग कर रहा है और हम जी रहे हैं, हर जगह यही हिसाब किताब है। और यही तो परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, जन्म देने की शक्ति, क्रिएट करने की शक्ति, और हम इसी का ही दमन करते जा रहे हैं। हम प्रेम को खत्म करते हैं, हम प्रेम को दबाते जा रहे हैं। जितना भी जिन्होंने भी ये इतिहास लिखा है, जिन ऋषि मुनियों ने, उनका बस यही है कि प्रेम को दबाओ, स्त्री की तरफ मत जाओ, पुरुष की तरफ मत जाओ, ये गलत है। जब तक आप प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप उस परमात्मा को कभी प्राप्ति नहीं होंगे। यहां पे ओशो ये बताते हैं, ओशो खजुराहो के मंदिरों का उदाहरण देते हैं कि गांधी जी कहते थे इनके ऊपर कपड़ा डाल देना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ओशो बताते हैं कि कोई भी चीज को इतनी बार करो, क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आप कोई खाना खा रहे हैं, अब आप उसको बार बार खाएंगे ना तो खाने से ऊब जाएंगे, उसके बाद आप ऊपर उठोगे। तो ओशो का भी यही कहना है, वो दो चीज बताते हैं, या तो योग दे दो, योग एक बहुत इंपॉर्टेंट, योग अगर आपने अपने सेंसेस पे काबू किया, आपने माइंडफुलनेस, बहुत सारी टेक्निक्स, मेडिटेशन आपने शुरुआत से ही कर लिया, तो फिर आपकी ऊर्जा को एक दूसरा बहाव मिल जाएगा। लेकिन वो आजकल के जमाने में कोई करता ही नहीं, योग दिया नहीं हमने, हम सीधा स्टेप फाइव पे चले गए हैं। तो यही ओशो बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, भागना नहीं है। बताते हैं कि आज शादियां टूट रही हैं, औरतें पागल हुई जा रही हैं, अगर आप देखोगे तो औरतें पगला चुकी हैं क्योंकि दमन है। ओशो यहां पे बहुत सारे, जैसे कई मंदिरों में, गिरजाघर में, मस्जिदों में, मतलब चर्च में तो स्पेशली ओशो बताते हैं कि वहां पे आप शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप उन औरतों को, उनका इंटरव्यू करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि उनकी इच्छाओं को दबाया गया है, और जहां पे इच्छा दबती वो दबती नहीं है, वो किसी ना किसी और रूप में प्रकट होगी, और अगर नहीं प्रकट हो रही है तो वो आपकी बॉडी पे ही प्रकट हो जाएगी, आप परेशान रहने लगोगे। ये तो एक ऐसी चीज है, इसको तो बहने देना चाहिए, इस ऊर्जा को दूर दूर तक ले जाओ, और इसी ऊर्जा से ही, इसी सृजन की शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। उसको बताते कि एक बार एक संत के, मतलब मेरे पास एक लड़का आया और बोला कि मैं तो बिल्कुल भी सर, मैं एकदम किसी लड़की की तरफ नहीं देखता हूं, प्रेम वेम तो मैंने बिल्कुल नहीं किया है, पर मुझे परमात्मा चाहिए। तो ओशो भाई बताते हैं कि भाई तुमने पानी नहीं देखा और तुम कह रहे हो कि तुमको सागर चाहिए, तो ये कैसे संभव है? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हमारी सारी प्रक्रिया ऐसी है कि हम प्रेम को दबाते हैं। अजीब बात है कि हम प्रेम विवाह होने नहीं देते, उसको तोड़ के हम विवाह करवाते और फिर कहते प्रेम करो। तो शादियां तो टूटेंगी ही, ये व्यवस्था ही गलत है। दुनिया ही प्रेम पे टिकी हुई है, और जहां प्रेम नहीं मिलता, अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको प्रेम चाहिए, और अगर उसको प्रेम नहीं मिलेगा तो नफरत ही हो जाएगा। हिटलर, स्टालिन, बहुत सारे ओशो यहां पे कहानियां बताते, बुद्ध की पूरी किताब में आपको बुद्ध की ढेरों कहानियां मिलेगी। बुद्ध, ओशो बताते हैं कि बुद्ध का जो केंद्र था वो प्रेम था। हालांकि आपको बता दूं कि ओशो सबको गरियाते हैं, ओशो किसी को नहीं छोड़ते, ओशो सब पे सवाल उठाते हैं, हर एक चीज पे सवाल उठाते हैं। वही बताते कि यही सबसे जरूरी है विकास के लिए, आंतरिक विकास के लिए, सवाल उठाना। यहां पे बोलते हैं मन से लड़ो, लड़ना पड़ेगा, सेक्स पाप है, लेकिन द्वंद छोड़ो। ये सब शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य में द्वंद आता जा रहा है। इंसान जितना आज, भारत जो है वो पोर्नोग्राफिक एडिक्शन में सबसे आगे है,
सबसे ज्यादा पोर्न भारत में सर्च किया जा रहा है, लोग सामने कुछ और हैं, बता रहे कि आदमी के हजारों चेहरे और पीठ पीछे कुछ और है। दिन में तो नहीं, नो सेक्स नो सेक्स, और रात में सब शुरू, कभी अश्लील पिक्चर है, तभी तो मार्केट इतना बढ़ रहा है। इंस्टा मिनी पोर्न है, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, देखिए कितना बढ़ रहा है वो, लाइक्स देखिए उस पर। तो ये बात इतनी सी है कि जहां पे दमन छोड़ना पड़ेगा, जहां दमन होगा वो बड़ा डेंजरस है, और सेक्स का दमन तो बहुत ही खतरनाक होता है। खजुराहो के मंदिर का एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि वो मूर्तियां हैं, वो आपकी बाहरी कल्पना है, कि ओशो बताते हैं कि बाहरी मतलब कि मूर्ति मूर्ति देख के इतना थक जाओ, उनको देख के मेडिटेट करो, उनको देखते देखते तुम इतना थक जाओ, बोले कि भैया अब हो गया, मन भर गया, अब आ जाओ, अंदर आपको मंदिर मिलेगा। ये शरीर है एक तरीके से, ये यात्रा है जीवन की, कि जीवन ऐसा ही है कि बाहर देख लो, बाहरी हो गया ठीक है, देख लिया तुमने, नंगी तस्वीरें देख ली, हो गया खत्म, इच्छा खत्म हो गई, तुमने इतनी बार देखा कि इच्छा खत्म हो गई, अब अंदर आ जाओ, अब अंदर आके ध्यान लगाओ, पूजा करो, परमात्मा की तरफ जाओ। ये ओशो जो है वो बताते हैं, और बताते हैं कि मनुष्य कभी भी काम से मुक्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्राथमिक बिंदु तो यही है, उसी से तो जन्म होता है, उसी से तो क्रिएशन होता है, तो कहां से आप काम से मुक्त होंगे। ओशो हमारे ऋषि मुनियों का एग्जांपल देते हैं कि वो बताते हैं कि नरक का द्वार है, क्योंकि वो डरते हैं इस चीज से। बहुत सारे संतों का एग्जांपल देते हैं कि जो संत इतनी धार्मिक बातें करते हैं, सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में वही शामिल होते हैं, सबसे ज्यादा जो इच्छा होती है उनमें, देखिए आप जाके, और हर जगह का वो एग्जांपल देते हैं, हिंदू क्रिश्चियंस इस्लाम सब जगह का। औरतों के मामले में तो बहुत ही ज्यादा ओशो जो है वो ओपन है, कि औरतों का इतना ज्यादा दमन किया गया है कि वो परेशान हो चुकी हैं। पति परमेश्वर है, क्या बात है, पति तो परमेश्वर है, लेकिन कौन कह रहा है परमेश्वर है, पति खुद कह रहा है मैं परमेश्वर हूं, और पत्नी उसको मान भी रही है, पत्नी झुंझला जा रही है उसकी बातों से, उसकी ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम परमेश्वर हो, पति चाटे मार रहा है तो भी पत्नी सह रही है। अब पत्नी पत्नी जो है वो पति पे गुस्सा उतार नहीं सकती, तो अपने बच्चे पे गुस्सा उतारती है, बच्चा प्यारा है, स्कूल से आ रहा है, कपड़े गंदे कर लिए, पत्नी कह रही है, मां कह रही है आज तो इसका सुधार करेंगे, बट वो सुधार एक्चुअली पति का करना चाह रही है। बच्चा आता है, भाई बच्चे तो कपड़े गंदे करेंगे ही, बच्चों को यहां पे ओशो बताते कि बच्चा मन होना चाहिए, मन आपकी बच्चे की तरह होना चाहिए, वही परमात्मा का वास है। ओशो बहुत अच्छी कहानी बताते हैं कि ये दुनिया जो ये पूरी समाज की प्रक्रिया भीड़ है, ये ठीक है, ये दिस इज अ बिग क्राउड, ये भीड़ है जो आपको बर्बाद कर रही है। हिटलर जो है, हिटलर शुरुआत में हिटलर आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन धीमे धीमे हिटलर को समझ में करना क्या है, तो शुरुआत में ग्रो नहीं थी, तो हिटलर अपने साथ खाली 15 लोगों को ले जाके जाता था, अब एक्सपेरिमेंट करी गई, और जब भी वो स्पीच देता था वो 15 लोग ताली बजाने लगते थे, तो भीड़ ताली बजाने लगती थी। भीड़ का कोई ईमान नहीं होता है, अगर भीड़ कर रही है, आपने मणिपुर में देखा क्या हुआ, भीड़ ने किया, इंडिविजुअल नहीं करेगा वो, तो भीड़ के साथ साथ सब जायज है। तो वही उसे बताते हैं कि एक कहानी कि राजा के पास जो है वो एक गरीब आता है, फकीर आता है, और बोलता है कि मैं देवताओं के कपड़े आपको लाके दे दूंगा। तो बड़ा खुश राजा कि अरे वाह क्या बात है, ठीक है ले आओ भाई। तो एक सूटकेस लेके आता है, वो खोलता है सूटकेस, राजा कहता है ये क्या है, कहता अरे सर यही तो फकीर के कपड़े हैं, सभा में सबके सामने बोलता है, और इसमें यह भी कंडीशन है कि अगर आपको फकीर के कपड़े नहीं दिखे तो आप दो बाप के। डर जाता है राजा, बोला दिखे कि नहीं, राजा कहता हां बिल्कुल मुझे दिख रहा है, सभा में सब कह रहे हैं हां हां बिल्कुल बिल्कुल सब बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे सब के सब सोच में पड़े हैं कि भाई मुझे तो नहीं दिख रहा, क्या मैं दो बाप का, समझ नहीं आ रहा यार। लेकिन भीड़, क्योंकि भाई इंसान असली चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, तो भीड़ कह रही हां बिल्कुल बिल्कुल देवताओं के कपड़े हैं, तो बोलता राजा उतारो फिर। राजा फिर दंगा होने लगता है, और वो पहले अपनी पगड़ी पहनता है, वहां से है नहीं कुछ, कोट पहनता है, पूरी भीड़ कह रही है कि अरे बिल्कुल बिल्कुल कपड़े तो हैं, तो कहता है ऐसे ही तंत्र काम करता है ये। लेकिन यहीं से आपको उठने की जरूरत है, और पूरी भीड़ कह रही है कि सेक्स मत करो, इसकी बात करना भी पाप है, और जिसकी बात करना पाप है आज वही पाप सबसे आगे है। सबसे ज्यादा दुनिया में क्या हो रहा है, सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं। तो यही ओशो बताते हैं, इसको एक्सेप्ट करो, शुरुआत से ही बच्चों को बताओ, बॉडी के जो महिला है या जो पुरुष है उनकी बॉडी इसके बारे में बताओ, वो कैसे काम करते हैं, जब ये होगा तब एक्सेप्टेबिलिटी होगी।
तो शुरुआत सृजन की ऊर्जा, रामानुज की कहानी थी जो मैं बता रहा हूं कि जब एक लड़का आता है और कहता है कि मुझे परमात्मा को पाना है लेकिन मैंने कभी प्रेम नहीं किया, मैं इन झंझटों में नहीं पड़ा, तो वहां रामानुज ने तुरंत बोला कि भाई जब तुम प्रेमी, तुमको सागर चाहिए लेकिन तुमने पानी ही नहीं पिया तो कैसे होगा, नामुमकिन है बेटा, तू वापस चला जा। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें अहंकार की बात करते हैं कि ये एक, ये भी प्रेम ना होने की वजह से ही आता है। जितनी भी नफरत है, जितनी भी बुरी चीजें हैं इस दुनिया में, प्रेम नहीं है इसी की वजह से ही ये सब हो रहा है। जहां प्रेम, हम पूरी दुनिया में प्रेम की बात हो रही है लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो कितनी ज्यादा नफरत है, वॉर हो रहा है, आज इसराइल हमास लड़ रहे हैं, बातें तो प्रेम की करेंगे। धर्म क्या सिखाता है? जीसस क्राइस्ट है, जीसस ने लोगों को रहना सिखाया, लोगों को प्रेम करना सिखाया, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? कहते हैं कि औरत नरक का द्वार है, औरत को ना छुओ, औरत ये है, औरत वो है। जीसस के साथ जो औरत थी आखिरी तक, वो मैरी मैग्डलिन थी, आखिरी तक उनके साथ रही। ये भी बताते हैं ओशो कि उनके एक शिष्य ने मुखबरी की थी लेकिन चंद पैसों के लिए उनका शिष्य कभी मुखबरी नहीं हुआ। जीसस सूली चढ़ गए, अमर हो गए। महावीर सूली चढ़ते अमर हो जाते, पूरा धर्म पूरी दुनिया में फैल जाता। सूली चढ़ना भी, भाई भगत सिंह ने फांसी ली कबूल की और वो बिल्कुल इसके खिलाफ तक, मुझे फांसी मत दो, मुझे फांसी दो ताकि मेरा मैसेज पूरी दुनिया भर में पहुंचे, और यही हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो कहते हैं। फिर उसके बाद शुरुआत के चार चैप्टर्स में तो दोस्तों यही हो रहा है। ठीक है कि कुछ भी अगर आप बोलेंगे प्रेम के बारे में, प्रेम की बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन प्रेम को दबाने की यहां पे पूरी कोशिश है। और अंदर उनके प्रेम है, अगर आप उनको देखोगे ना, सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं के अंदर है, सबसे ज्यादा कहते ना कि वो उफन रहा है, उनकी जवानी जो है वो एकदम, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है तो चाहते कि किसी को ना, कहते कि आदमी का ये साइकोलॉजी होती है कि अगर हमारे साथ दुख है, हमको कुछ नहीं मिला तो तुमको भी नहीं होने देंगे, और कहीं ऐसे इंसानों के पास ताकत आ गई तो और ज्यादा दिक्कत। तो शुरुआत से जो हमारी प्रयोजन है वो बहुत ही गलत है, हमने सब उल्टा कर दिया है। यहां पे ये बोलते हैं, ठीक है, कि हजारों वर्षों से हमें एक ही बात मंत्र की तरह पढ़ाई जा रही कि जीवन आसार है, जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख है। सम्मोहन की तरह हमारे प्राणों पर यह मंत्र दोहराया जाता है कि जीवन व्यर्थ है, जीवन आसार है, जीवन दुख है, जीवन छोड़ देना योग्य है। सुन सुनकर धीमे धीमे हमारे प्राण में पत्थर की तरह मजबूत होकर बैठ गई है। इस बात के कारण जीवन असर दिखाई देने पड़ता है, जीवन दुख दिखाई देने पड़ता है, बट बिल्कुल गलत है ये, ऐसा नहीं है। ये जीवन ही तो है जो आपको जीना है, यही दुनिया तो है जिसमें आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी बताते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में काफी बात की है ओशो ने इस किताब में भी, तो बताते हैं कि रविन्द्रनाथ मतलब इंसान इतना दुखी है, उसके पास जो है वो उसमें खुश नहीं है, उसके पास इतना कुछ है लेकिन जो नहीं है वो उसमें दुखी है। ओशो यहां पे एक और कहानी रविन्द्रनाथ टैगोर की जैसे कहानी बताते हैं कि भाई एक बार वो नाव जा रही थी, नाव पे थे वो, ठीक है, एक दिया बुझ रहा था, पूर्णिमा की रात थी, चांद निकला था, दिया बुझ गया, इतना खूबसूरत लग रहा था सब कुछ, इतना खूबसूरत, लेकिन कितने लोग उसको एंजॉय करने के लिए। अगर कोई नफरती व्यक्ति होता, कोई दुखी व्यक्ति होता तो कभी उसको ये सारी चीजें दिखती ही नहीं। ओशो यहां पे बहुत अच्छी कहानी बताते हैं कि ओशो कहते हैं कि देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा आप दानी होगे, जितना ज्यादा अच्छे हृदय के होगे उतना है। हमारे पास जो है हम कभी उसमें खुश नहीं रहते। कि एक भिखारी जो है वो बहुत भीख मांगता था, भिखारी भीख ही मांगते हैं और भिखारी हमेशा 7-8 लोगों के में जरूर जाएंगे वो, क्योंकि लोगों के चेहरे होते हैं, आदमी के 1000 चेहरे हैं, ठीक है, वो हमेशा 10 के ग्रुप में जरूर जाएंगे और आदमी उनको देगा भी क्योंकि उनको दूसरों को दिखाने के मैं कितना बड़ा दानी हूं। तो एक बार भिखारी के पास राजा है, अब भिखारी बड़ा खुश, क्या बात है राजा आ गए, फेस्टिवल सीजन में भिखारी वैसे भी उनको काफी ज्यादा कमाई हो जाती है, तो राजा आए भैया राजा। तो अब यहां पे बोला, सोचा भिखारी ने कि भाई अब तो मेरी मतलब पूरा जीवन धन्य है क्योंकि राजा आ गए हैं, और राजा जो है वो भर भर के दान देंगे मुझे, क्या बात है। जैसे ही राजा आते हैं वैसे ही उसके भिखारी कहता है ऐसे झोले फैला के क्या मुझे कुछ दीजिए। राजा उतरते, राजा बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि मैं तुमको आज कुछ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरे ज्योतिष ने ये बोला है कि मुझे एक भिखारी से दान लेना है, और अगर मैं उस भिखारी से दान नहीं लूंगा तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा जो किंगडम है, जो साम्राज्य, वो डूब जाएगा। अब भिखारी बड़ी दिक्कत में, अरे बाप रे कैसे दान दें, एक मुट्ठी चावल के लिए बोला है लेकिन एक मुट्ठी चावल तो बड़ी मुश्किल से, भिखारी से एक मुट्ठी चावल दिए, बदले में उसको मिला भी बहुत कुछ, बहुत कुछ, और भिखारी परेशान।
उसको इतना कुछ मिला उसने ये नहीं सोचा, लेकिन घर आके उसकी पत्नी कुछ कह रही है आज कितना मिला है, लेकिन वो वही सोच रहा है कि ना 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 ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे भैया इतना एक मुट्ठी चावल जो है वो मेरा जो राजा है वो निकाल के ले गए, ये चीज है। लेकिन जब राजा ने चावल उठाए तो उन्होंने एक दाना डाल दिया था भिखारी की झोली में। अब भिखारी की झोली में जब भिखारी को दिखा तो उसको दाना दिखा, वो सोने का था, तो सोने का दिखा तो वो पगला गई उसकी बीवी, लेकिन वो और दुखी कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे दो तीन मुट्ठी और दान देनी चाहिए तो और मुझे सोना मिल जाए, अरे ये बहुत बड़ी। तो यही दुख का कारण है हमारे यहां, एक तो शक्ति का दमन, दूसरा जिसमें है हम उसमें खुशी नहीं है, तो हमारे साथ कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, ये चीज है। बताते हैं ओशो कि हमने मृत्यु के लिए तो सारे इंतजाम कर लिए हैं कि मृत्यु मृत्यु मृत्यु, अरे जीवन जीने का जीने योग्य है, जीवन को हमने समझा ही नहीं है। और जब तक हम जीवन को नहीं जिएंगे तब तक हम कैसे उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जब तक हम इस प्रकृति को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस जीवन को नहीं समझेंगे, ये चीज है। ठीक है, तो ये पूरी बातें यहां पे जो है वो करती है, करते हैं ओशो, कहते कि बिजली से भी बड़ी ताकत सेक्स है, जो कामुकता है वो बहुत बड़ी ताकत है और उसको सही तरीके से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके बारे में बात होनी चाहिए। पहले का जमाना बहुत खुला था, इसके बारे में बात होती थी, जहां जिस समाज में इन चीजों का दमन होगा वो अल्टीमेटली किसी ना किसी रूप में सामने आएंगी, क्रोध के सामने आ सकती है, पागलपन के सामने आ सकता, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये यहां पे बोली, और शुरुआत के चार चैप्टर्स में बहुत सारी और भी चीजें हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन मूल्यता जो है वो ये चीजें जो है वो बताई गई है कि दमन ना करिए किसी, अगर आपके अंदर प्रेम है तो उसको प्रकट करिए, प्रेम को बहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी ये स्टेप टू यही परमात्मा बताते हैं कि जो हमको जब हम संभोग करते हैं तो जो हमको ऑर्गेजम होता है वो चंद भर का होता है, लेकिन वही ऑर्गेजम जब आप परमात्मा की तरफ जाते हैं, जब आपको मिस्टिक एनर्जी आती है ना, तो उससे 10 गुना ज्यादा वो हैप्पीनेस आपके साथ रहती है, आपको परमात्मा की, ये बताते सेक्स एक मेडिटेशन की तरह है, क्योंकि जब आप संभोग करते हो बस आप उसी में डूबे रहते हो और कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, इधर उधर कुछ नहीं, आप उसी में डूबे रहोगे, और वही करते 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 जब आप लास्ट में जाओगे तो आपको हल्की सी परमात्मा की झलक दिखती है, लेकिन वो बहुत ही छोटी होती है और उसी झलक के लिए हम भागते रहते हैं। अब बताते कि अगर उसको टाइम पीरियड को काफी लंबा कर दे, मान लीजिए 2-3 घंटा अगर हम कर दे तो आप जिंदगी भर कभी सेक्स नहीं करोगे। ब्रह्मचर्य के बारे में बोलते हैं कि कोई बकवास ही है, ब्रह्मचर्य के बारे में ओशो बताते हैं कि भाई ब्रह्मचर्य किसी को थोपना नहीं चाहिए। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारी बातें होती है कि अरे अपना जो सीमेन है वो बचा के रखो, नो फैप, लेकिन आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसा होना कि आप परमात्मा में इतना विलीन हो जाओ तब ब्रह्मचर्य हो। गांधी जी का एग्जाम्पल देते हैं, गांधी जी को कहते हैं कि गांधी जी ने उनकी जो भांजिया थी कौन थी मनु, और उनके साथ वो 70 साल के जब थे गांधी जी तब उनके साथ नंगे सोते थे, अपने ब्रह्मचर्य को टेस्ट करने के लिए। इसका मतलब उनको अभी तक अपने पर भरोसा नहीं था कि मैं ब्रह्मचारी हूं। तो यहां पे कोई चीज थोपिए नहीं, कल से कह देंगे कि आपके हां खत्म सब, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य दैट्स इट, मजा आ जाएगी, लेकिन नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी। धीमे धीमे स्टेप बढ़ाइए, आप परमात्मा की ओर जाइए, एक्सेप्ट करिए, परमात्मा की ओर जाइए, उसके बाद वो चीजें अपने आप आएगी। क्योंकि जब इंसान परमात्मा की ओर जाता है, जब वो खुशी का एहसास होता है ना, तो आपको ये सारी चीजें करने का मन ही नहीं करता है, टोटल डिटैचमेंट जिससे बोलते हैं, आपको सिर्फ वही सुख चाहिए, वही सच चाहिए, बाकी और चीजें करने का मन ही नहीं करेगा। जबरदस्ती कोई चीज थोपना वो तो विनाशकारी हो जाती है, समझ रहे हैं। तो जिनको आप ब्रह्मचारी कहते हैं तथा कथित जबरदस्ती थोपे हुए ब्रह्मचारी, वह सेक्स के मकान के भीतर उतने ही है जितनी की कोई साधारण आदमी है। और यहां पे ओशो बहुत सारे संत महात्माओं से उन्होंने भाई बात भी की, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण देते हैं। भाई ये तो जल जाहिर है, आप देखिए ना कितने लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आप देख सकते हैं कितने लोग इसमें फंसे हुए, और जो नहीं भी फंसे हुए हैं वो ऑलरेडी एक तो भागी का भैया अपना अलग ही देश बना लिया कैलाशा, है ना। तो और ये बातें बड़ी बड़ी धर्म की करते हैं, तो वही बताते हैं कि जो इंसान कहता है वो कभी करता नहीं, ठीक है। तो यहां पे सेक्स के पास ऐसे जाए जैसे मंदिर के पास, पत्नी को ऐसे समझे जैसे कि वो प्रभु है, पति को ऐसे समझे जैसे कि वो परमात्मा है, और गंदगी में, क्रोध में, कठोरता में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में, चिंता के क्षणों में कभी भी सेक्स के पास ना जाए। तो उल्टा होता उल्टा है यहां पे,
ये बात ओशो जो है वो कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों ओशो प्रेम और विवाह की बात करते हैं, युवक और यौन की बात करते हैं। ओशो कहते हैं कि हमारा देश एक बूढ़ा देश है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मुझे 100 ऐसे अगर आदमी दे दो, लड़के दे दो जो युवा हो, मतलब जो डायनेमिक हो, एनर्जी, तो मैं पूरे देश को बदल दूंगा। कितनी 140 करोड़ के देश आज, और हमारे पास क्या 100 ऐसे युवा नहीं है। ओशो बताते हैं कि इंसान जो है वो मन से जवान होता है, एक बूढ़ा आदमी फर्क नहीं पड़ता। अल्बर्ट आइंस्टीन का जब दिमाग का प्रॉपर एनालिसिस हुआ, तब पता चला कि उनका दिमाग जो है वो जवान है। तो ओशो यही बताते हैं कि इंसान मन से जो है, जो मन होता है ना, मन उससे जवान, चित्त जो है उसका जवान होना चाहिए। लेकिन हमारा चित्त बूढ़ा हो चुका है, हमने जबरदस्ती अपने आप को बेड़ियों में बांध रखा है। हम अपने आप को जबरदस्ती महान देश कहते हैं। अगर हम महान होते तो ब्रिटिशर कभी भी हम पे कब्जा नहीं कर पाते। अगर यहां पे युवा होते, सिराजुद्दौला जो है वो जीत जाता। लेकिन कई बार अपनों ने ही धोखा दिया, चालाकी की वजह से, लालसा की वजह से। तो हम बूढ़े, हमारा चित्त बूढ़ा है, इसको जवान रखिए जितना से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्योंकि जब चित्त जवान होगा तभी तो वो एनर्जी आएगी। लेकिन हम बचपन से ही हमने पूरा प्रयोजन किया हुआ है कि कैसे अपने आप को बूढ़ा करें। वही घिसी पिटी जो हम जिनको बहुत ही ज्यादा महान, जिन चीजों को बोलते हैं कि ये तो, ये जो हमारी प्रथाएं हैं वो महान है, सती की बात करते हैं कि क्या ये सब आदमियों ने बताया। ओशो कहते हैं कि जितनी भी प्रथाएं हैं ये सब आदमियों ने बनाई हैं। सती हो गया या ऐसे व्रत, कभी आपने सुना कि जो कोई आदमी है, ठीक है, वो आग के जल में मर गया, उसके लिए आप ऊल जलूल जो है वो आप रीजंस देते हैं कि नहीं उस समय मर्द कम थे, ये फलाना धमाका। आप किसी की जान ले रहे हो, यहां तक तो फिर भी ठीक था, बट विधवाओं का जीवन तो और ज्यादा कष्टकारी था। तो जितने भी लोग हैं, ये जो आदमियों ने अपने लिए प्रयोजन करके रखे हुए हैं, ये सब एक जमी जमाई व्यवस्था है। संतों ने, संतों को पता है कि अगर संत, जब मैं बोल रहा हूं तो याद सारे धर्मों को बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ओशो सारे धर्मों को बोल रहे हैं। तो इनकी ये प्रथा है, इनको मालूम है कि अगर पाप गया, लोग दुखी नहीं होंगे तो इनका धंधा नहीं चलेगा। तो वो चाहते हैं लोग दुखी रहे, जितना ज्यादा हो सके लोग दुखी रहे। ओशो बताते हैं कि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिनको अलग कर देना चाहिए। जैसे डॉक्टर, जब रशियन रेवोल्यूशन आया तो सबसे पहले डॉक्टर का प्रोफेशन, उसको नेशनलाइज किया गया, और हर डॉक्टर से यह पूछा जाता था कि तुम कर क्या रहे हो। तो आज रशिया में, यूरोप में एजुकेशन और हेल्थ फ्री है। ओशो बोलते हैं भारत में भी यही होना चाहिए, लेकिन भारत नहीं, भारत में प्राइवेट है। यहां पे जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, उनको एक कोटा दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना पैसा चाहिए, इतना करना है, ये करना है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब इसकी वजह से हम बीमार भी हैं, हमारे बीमारियां ज्यादा हैं। डॉक्टर्स प्राइवेट काम कर रहे हैं, सारे नहीं, लेकिन डॉक्टर्स प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो चाहेंगे जितना से ज्यादा हो सके बीमार हो। वकील का पेशा, वकील का भी एक ऐसा पेशा है जो नेशनलाइज करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। वकील चाहता है कि खूब झगड़ा हो, द्वेष हो, ताकि उनके पास खूब सारे केस आए। एजुकेशन भी ऐसा ही है, लोग अच्छी तरीके से शिक्षित नहीं होंगे यहां पे, तो चाहेंगे खराब शिक्षा मिले, गलत शिक्षा मिले, ताकि प्राइवेट जो है वो प्रॉफिट सोचता है। यूरोप में एजुकेशन और हेल्थ फ्री है, बताए ना आपको। तो यहां पे भारत जो है वो इस तरीके से करते हैं कि हमारा, फिर जनसंख्या विस्फोट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि जनसंख्या जो विस्फोट होती जा रही है, कि आगे आने वाले समय में, आप बता रहे कि हम प्रेम को इतना रोकते हैं, कभी भी हम संभोग पे बात नहीं करते, लेकिन अगर आप देखो तो हम सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में हैं, है ना, सबसे ज्यादा। तो ये आने वाले समय में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब बताते हैं ओशो कि हाथी से भी बड़े बड़े हाथी थे, मतलब जो उनके पूर्वज थे, ऐसी बहुत सारी प्रजातियां एंटार्क्टिका के नीचे मिली है जिनका आज नामो निशान भी नहीं है, कुछ नहीं आज। और ऐसे ही हमारे साथ होना है, क्योंकि हम खत्म करते जा रहे हैं सब कुछ। बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम परिवार नियोजन करें, फिर प्रेम और विवाह। जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ा, सबसे शानदार चैप्टर है प्रेम और विवाह, जो मुझे लगा कि विवाह एक एग्रीमेंट की तरह है। विवाह होता ही क्या है, आपको अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई और मिल जाता है। प्यार तो है नहीं, प्रेम तो है नहीं। जहां प्रेम है बहुत अच्छी बात है, और जहां नहीं है
वहां आप देख ही रहे हैं, और ज्यादातर जगह पे प्रेम नहीं है, तो ऐसे में पति दूसरी जगह जाते हैं, पत्नियां दूसरी जगह जाती हैं, पत्नियां पागल हो रही हैं, पति पागल हो रहे हैं, दोनों ही डिप्रेशन में जा रहे हैं। पूरा समाज कह रहा है कि प्रेम विवाह मत करो, प्यार तुमने कर कैसे लिया, ऐसी की तैसी तुम्हारी, प्रेम को रोका। बहुत शानदार बात कहते हैं ओशो कि आज आप देखते हैं कि जो मां बाप है, कई बार बच्चे अपने बूढ़े मां बाप के साथ बहुत खराब व्यवहार करते हैं, लेकिन ओशो बताते हैं डिलेड रिवेंज है, ये डिलेड रिवेंज है। ओशो बताते हैं कि गलत है तो गलत है, चाहे मां बाप हो चाहे कुछ भी हो। डिलेड रिवेंज को कुछ इस तरह बताते हैं कि शुरुआत में बच्चों को मारते हैं क्योंकि पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं, पत्नी पति के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकती तो पत्नी बच्चे के ऊपर गुस्सा निकालती है, बहुत मारती है, पकड़ पकड़ के मारती है। तो अब वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है, पति भी यही करता है। तो जब बाद में बच्चा फिर पगलाता है तो फिर वो वही चीज उसके दिमाग में घर करती है, क्योंकि जो चीज बचपन में घर कर गई वही होता है। तो डिलेड रिवेंज है। तो ऐसे में क्या किया जाए, प्रेम की तरफ जाए। ओशो बताते कि जिस घर में प्रेम होता है आमतौर पर वहां के बच्चे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कमाल पैदा होते हैं, लेकिन जो नफरत से बच्चे पैदा हो रहे हैं वो नफरत ही निकलेंगे। ये बड़ा डेंजरस चीज है। यहां पे विद्रोह के बारे में बताया कि विद्रोह जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है जैसा है वैसा है, हम उसी भीड़ में शामिल होते हैं। और बताते हो चूंकि भीड़ का कोई ईमान थोड़ी ना है, क्राइम हमेशा भीड़ करती है, मारती भीड़ है, सपनों का दमन भीड़ करती है, इंडिविजुअल नहीं। और भीड़ ने ही सारा प्रयोजन आपके लिए किया हुआ है। भीड़ को बरगलाना बहुत आसान है, भीड़ मासूम है, आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। मैंने हिटलर का एग्जांपल दिया, 15 लोगों को ले जाता था। अरे मैं दोस्तों कई बार मूवी थिएटर्स में गया हूं, मैं हंसा, ऐसा कोई भी सीन नहीं था, एक्सपेरिमेंट किया, मैं हंसा, सब हंसने लगे। तो भीड़ तो ऐसी है, भीड़ को बरगलाना बहुत आसान है। अगर आपने जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं और इनमें जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा क्या रहे हैं, वो ऐसा पढ़ा रहे हैं, वो ऐसा इस तरीके से पढ़ा रहे कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोग आए। यहां पे लोग दुखों का फायदा उठा रहे हैं, और दुख इसीलिए क्योंकि प्रेम नहीं है, और ये आगे आने वाले समय में बढ़ता रहेगा। ओशो कहते हैं कि बंदिशों को तोड़ो। बुद्ध की कहानी बताते हैं, बुद्ध एक आदमी से मिले, उनके साथ एक भिक्षुक भी था, उनका एक स्टूडेंट, तो एक आदमी से मिले तो उस आदमी ने बुद्ध से बोला कि मैं भगवान में नहीं मानता हूं, मैं नास्तिक हूं। तो बुद्ध ने बोला कि तुम नास्तिक हो, अरे इस दुनिया में एक ही सच है, वह परमात्मा। बुद्ध आगे चले, दूसरे आदमी से मिले, दूसरे बोले कि मैं भगवान से बहुत मानता हूं, मैं क्या करूं। तो बुद्ध ने बोला अरे भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। तीसरे आदमी से मिले, उन्होंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आता भगवान है कि नहीं, वो चुप होकर आगे निकल गए बुद्ध। तो जब उनका स्टूडेंट था उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने एक को दूसरा उत्तर दिया, दूसरे को दूसरा, ऐसा क्यों। तो बुद्ध ने बोला कि मैं इनके जो दीवारें हैं वो तोड़ देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये झांके इसके आगे भी बढ़े, क्योंकि वहीं से तो रास्ता निकलेगा परमात्मा का, परमेश्वर का। ये चीज है। फिर लेडीज, जैसा कि हमने बताया कि नारी के बारे में कोई इतिहास नहीं, दमन दमन दमन, और नारी इसको सह भी लेती है आसानी से, लेकिन ये जग जाहिर है कि पूरी शक्ति नारी की है, धरती है, प्रकृति है। ओशो अपना एक एग्जांपल बताते हैं कि नारी की शक्ति कितनी ज्यादा ताकतवर है, कि एक बार जब मैं ध्यान कर रहा था तो मेरा शरीर जो है वो वही रहा और मेरी आत्मा बाहर निकल गई। डायनेमिक मेडिटेशन दिया तो ओशो ने, आपको पता ही होगा, और वो पेड़ पर बैठे थे, ठीक है। अब बड़ी मुश्किल थी, जद्दोजहद थी, लेकिन वहां से एक औरत गुजरी और जैसे ही उस शरीर को छुआ वो आत्मा तुरंत उस शरीर में प्रवेश कर गई। इतनी पावरफुल एनर्जी है, और हम उसी का ही दमन कर रहे हैं। बताते हैं कि औरतों में सजगता ज्यादा है, औरतों में पेशेंस ज्यादा है। बच्चा पालना बहुत मुश्किल काम है, वो औरत ही कर सकती है। कहते हैं बच्चे को बाप के पास छोड़ के देखो, काट पीट के बराबर कर देगा बाप। अगर छोटा बच्चा पिताजी से मैथ्स पढ़ता है तो पिताजी तड़पड़ा देते हैं, मां नहीं करेगी। नेचर ने फिजिकैलिटी उनको नहीं दी है, बट बाकी जितनी चीजें दी है वो मर्दों से बहुत आगे हैं। और आपको जान के दोस्तों हैरानी होगी कि बहुत सारी प्रजातियां जो स्पीशीज है वहां पे प्रयोजन कुछ इस तरीके का है कि जो मादाएं हैं वो ही आगे हैं। जैसे हनी बीज में खाली मेल का पता कितना काम है, रिप्रोडक्शन बस, और कोई काम नहीं है, बाकी सब कुछ मधुमक्खियां ही करती हैं।
है ना। हाथी में जो लीडर होती है वो हथनी होती है, फीमेल। शेरों में भी जो शिकार करते हैं वो शेरनियां करती हैं, बाघिन बाघ से ज्यादा ताकतवर है। व्हेल्स जो होती हैं वहां पे भी जो फीमेल है उनका ही ज्यादा काम है, वो ज्यादा बड़ी होती है। सिर्फ इंसानों में ऐसा है कि बस फिजिकैलिटी ना होने के कारण उनका हमेशा दनम दमन किया जा रहा है। नहीं है, गलत है। जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होगी वो घर कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वो घर हमेशा वही का वही रहेगा, वो सोच हमेशा पीछे चली जाती है और वहां पर दुख जो है वो घेर लेता है। ओशो ये बताते हैं। फिर आखिरी के जो कुछ चैप्टर्स है, सिद्धांत शास्त्र और वाद से मुक्ति। वाद बताते हैं कि तुम साम्यवाद है, हिंदू मुस्लिम, ये सब तुम्हारा मुखौटा है। जब तक ये चलेगा तब तक इस दुनिया में लड़ाई होती रहेगी। तुमने अपने आप को कभी पहचाना ही नहीं तुमने इंसान को, तुम बस ये हो वो हो, तुम अपनी किसी ना किसी चीज से तुम अपने आप को रिलेट करते रहे, जिसकी वजह से तुम हमेशा परेशान रहोगे। तुमने कभी समझा ही नहीं कि उस कुछ उस पार भी हो सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जीवन का पहला सूत्र है कि इन सबसे मुक्त हो जाओ, ये सारी बेड़ियां तोड़ दो, ये दीवारें तोड़ दो। भीड़ समाज दूसरों से मुक्ति, कि भीड़ का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, समाज का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, और दूसरों की बात करें तो अंदर झांको। बाहर हमारा जीवन अंदर से बाहर आता है, तो हमको अंदर जाना है, बाहर उसको आने दो, लेकिन तुम अपने आप को पहचानो। दूसरों से, दूसरों को दिखाने के लिए हम रिएक्ट करते हैं। हम घर में तो कुछ है, अकेले कुछ है, लेकिन दूसरों के सामने हम कुछ हो जाते हैं। जैसे हो वैसे ही रहो, समझ रहे हो। यहां पे ओशो गालिब की एक कहानी बताते कि जब बहादुर शाह ने उनको डिनर पे बुलाया, तो बहादुर शाह जो है भाई, वो अब क्या है कि गालिब उस समय जो कवि थे उनका तो इतना पैसा था नहीं उनके पास, तो उनके लोगों ने उनको कपड़े लाके दिए कि तू वहां जा रहा है, एक काम कर तू अच्छे कपड़े पहन के जा, वरना वो तुझे घुसने नहीं देंगे। तो गालिब ने कहा भाग भाड़ में जाओ, मैं ऐसे ही जैसे जाऊंगा। तो भैया वो गए, तो जब वो गए तो भाई दरबार ने ले रोक लिया, क्योंकि भाई उनके पास ना कपड़े थे ना जूते थे, फटे फटे चितड़े कपड़े जूते ऐसे ही पहन के चले गए, रोक लिया उनको। और जैसे ही वो रोका कि कहां जा रहे हो, कौन हो तुम, तो बोला कह रहे मुझे सम्राट ने बुला के, चलो चलो निकलो बाहर। फिर उसके बाद वापस गालिब बहुत अच्छे कपड़े पहन के गए, तो उनको अंदर जाने दिया। तो बहादुर शाह बोले, अरे कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप कहां थे, बैठिए चलिए खाना खाइए। तो जो गालिब है वो खाना का एक और लेते, कहते ले पगड़ी खा, एक और लेते कहते ले ले, ले बाजू बंद खा, एक और लेते कहते ले धोती खा। तो ये कहते कि क्या कर रहे हैं, कहते अरे भैया हमारी इज्जत कहां है, हमारे कपड़ों की इज्जत है, दिखावा है यहां पे, जो मैं अंदर से हूं वो दिखा नहीं सकता समाज को, वो एक्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि समाज ही कहती है कि नहीं नहीं। तो ये नहीं करना है, भीड़ से अलग चलना है, अंदर की शक्ति को, अपने आप को पहचानोगे जब आप, तभी होगा चीजें। और दमन से मुक्ति, कि जो चीजें एक्सेप्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको दमन से मुक्ति चाहिए तो आप जिस चीज का दमन कर रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू टोटली एक्सेप्ट। यहां पे एक और कहानी बताते हैं कि एक बहुत एक आदमी था गांव में, ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा उसको गुस्सा आता था, क्रोध आता था, वो इतना ज्यादा क्रोधी था कि ऐसा बोला जाता था कि उसको, उसने अपनी पत्नी तक को मार दिया था कुएं में डाल के। तो एक बार उसने बोला कि बस मैं अब एंगर मैनेजमेंट करूंगा। तो एक बार उनके संत आए, तो उनसे बोला कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला तू सन्यासी हो जा, ठीक है। तो अब ये तो बड़ी, सन्यासी को यहां पर कहते जीवन सब कुछ छोड़ना है, ऐसा नहीं है, असली सन्यासी ऐसे होते ही नहीं है। तो अब यहां पे ये बोलते हैं कि तू सन्यासी हो जा, उनको नया नाम दे दिया शांतिनाथ, ठीक है भैया, उनको दीक्षा दे दी, शांतिनाथ नाम दे दिया, बहुत बढ़िया से कि आज से आपका नाम ये है। अब उसके बाद हुआ क्या कि वो सन्यासी जो है वो नाम तो पड़ गए शांतिनाथ, उनके साथ चलने लगे। अब धीमे धीमे उनकी ख्याति फैलने लगी, समझ रहे हो, बड़ा मुश्किल। तो धीमे धीमे उनकी ख्याति फैलने लगी, हर जगह जाने लगे, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि एक बार उनसे एक आदमी मिलने आया, वो उनका दोस्त था पुराना। तो होता क्या है कि जब हम बहुत ऊपर जाने लगते हैं ना, तो हम चीजों को दबाने लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम एक्सेप्ट, मतलब जो हमारे पुराने मिलने वाले थे कि नहीं हम तुमको नहीं जानते। तो आदमी मिलने आया, तो बोला कि अरे मुझे पहचाना। तो सन्यासी ने बोला कि नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन। अब ये समझ गया कि पहचान तो गया है ये, लेकिन मना कर रहा है ऊपर से, कोई बात नहीं आप बहुत क्रोधी थे ना। सन्यासी थोड़ा सा झिझका, बोला कि मैंने आपको पहचाना नहीं, कोई बात नहीं। बातचीत शुरू हुई, फिर बोला कि क्रोध खत्म हुआ तुम्हारा, मुझे तो नहीं लगता। वो और ज्यादा गुस्से में थोड़ा सा, सन्यासी क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, सन्यासी कह रहा है दिमाग खराब है। फिर वो बातचीत शुरू हुई, फिर वो कहता है कि क्रोध आ रहा है ना, वो सन्यासी उठा पकड़ के निकला, भाग यहां से।
तब फिर वो बोलता है कि देखा तुम भले ही कितने बड़े सन्यासी हो लेकिन तुम्हारा क्रोध खत्म नहीं हुआ, बस यहां तुमने दमन किया वो उधर आ गया, तुमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो क्रोधी तो तुम अभी भी हो बल्कि उससे ज्यादा तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, क्रोध का दूसरा रूप अहंकार, ये चीज है। तो यहीं पे यहां पे बताते हैं और फिर ओशो बताते हैं कि इन सबसे मुक्ति पानी है तो माइंडफुलनेस अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो, उस पल में रहो। और ओशो ये भी बताते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वेल्दी बनो। राजा कृष्ण राजा, महावीर राजा, बुद्ध राजा, राम राजा, गरीब से मुक्ति पाओ, गरीबी से मुक्ति पाओ, गरीबी सोच से मुक्ति पाओ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दुनिया कहती है पैसा पैसा ना कमाओ, बिल्कुल गलत है, घनघोर पैसा कमाओ लेकिन उस पैसे को सही चीज के लिए इस्तेमाल करो। तो जितना ज्यादा आप अवेयर रहोगे, जितना ज्यादा माइंडफुल रहोगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ये दोस्तों एक किताब जो मेरी बहुत ही मेरे दिल के करीब है, संभोग से समाधि तक, थोड़ी मोटी है लेकिन जो मैंने आपको कंक्लूजन बताया, ये किताब जब आप पढ़ेंगे ना आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। तो इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा और बहुत ही शानदार ये किताब तो कंपलसरी करनी चाहिए, क्योंकि इस किताब में ये बताया कि आप जीवन कैसे जिए।